हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने फ़ोन से कैसे पेयर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ब्लूटूथ डिवाइस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं अपना जो JBL का स्पीकर है मेरा, उसको हम ऑन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने JBL का स्पीकर ऑन कर लिया है। और यहाँ पर पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं JBL का हमारा आ रहा है स्पीकर जो है, वो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये पेयर हो जाएगा, यानी कि कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्पीकर है वो पेयर हो चुका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।